नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि आपकी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का दोहे विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी भर्ती अभी कंप्लीट हुई है तो नई टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कैसे आ सकता है। तो लगातार दोस्तों हम लोगों के प्रयास से आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। दोस्तों इस नई भर्ती के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय युवा मंच को, जो लगातार प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और सरकार पर दबाव बना रहा है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लाने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि तदर शिक्षकों की सीटें लगभग बहुत ज्यादा खाली हैं और शिक्षकों की बहुत ज्यादा नीड है, तो इसीलिए दोस्तों आपकी भर्ती आ रही है। चलिए पूरी खबर को दिखाते हैं और आपका यहां पर ऑनलाइन पोर्टल दोस्तों खोल दिया गया है और आपका विज्ञापन कब जारी होगा। यूपी में शिक्षकों के हजारों पदों पर जल्द होगी शुरू भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जल्द ही शिक्षकों के कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बोर्ड के राज्य के सभी जिला स्कूलों को लेटर लिखकर वैकेंसी की जानकारी मांगी है। 3 से 12 दिसंबर 2021 तक उन्हें ऑनलाइन पोर्टल वैकेंसी की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पर बताया गया है यूपी बोर्ड द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि स्कूलों को किसी प्रकार की समस्या अगर आती है ऑनलाइन पोर्टल में सबमिट करने पर तो वह नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि अच्छी तरह जांच के बाद ही वैकेंसी डिटेल की जानकारी वेरीफाई करने के लिए भेजी जाए। बता दें कि बोर्ड द्वारा सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर अध्याचन मांग लिया गया है और पोर्टल भी खुल चुका है। अब दोस्तों बात आती है कि आप लोगों का जब अध्याचन और पोर्टल यहां पर 12 तारीख तक मांगा गया है तो ये आप लोगों का वैकेंसी कब देंगे यानी नोटिफिकेशन कब देंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन इनको देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डिले करेंगे तो उधर आचार संहिता लग जाएगी। और इनका मेन मोटिव है दोस्तों कि चुनाव से पहले वैकेंसी को ले आना, परीक्षा के लिए क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। परीक्षा या तो अपनी मार्च में कराएंगे या फिर आपकी चुनाव के बाद ही कराएंगे, लेकिन ये वैकेंसी आपको 100% दोस्तों आपको 25 दिसंबर के बाद देखने को मिल सकती है। ठीक है, 25 दिसंबर के बाद आनंद फानल में दोस्तों पोर्टल खोला जा सकता है, आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती देखने को आपको मिलेगी। और किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, मैं आप लोगों के हर कमेंट्स रीड करता हूं, उसके बाद आप लोगों का रिप्लाई करता हूं। चैनल पर नया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।